हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है और आप लोग मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो परसों आप लोगों का जो अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है, उस अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि अकाउंटेंसी का एक टेस्ट सीरीज लाइए जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी के एमसीक्यू की तैयारी अच्छे से कर सके। तो आप लोगों के डिमांड के देखते हुए और आप लोगों को एग्जाम में अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए एग्जाम में हमारा अकाउंटेंसी में 90% का टारगेट है और आप लोगों का 90% जो है वो आ ही जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है अकाउंटेंसी को ही है जो सबसे ज्यादा पढ़े हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को अकाउंटेंसी में डाउट है, तो टेंशन मत लीजिएगा। मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले, यानी कि ये जो आप लोगों का जो एग्जाम अकाउंटेंसी का होगा, उस एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी के लिए टोटल जो है वो टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा और टोटल जो है 5 से लेकर 7 टेस्ट सीरीज आएंगे, यानी 5 से लेकर 7 40-40 एमसीक्यूज के वीडियोज आएंगे। यानी कि ये पहला वीडियोज है, इस सेट सीरीज 1 का ये पहला वीडियो है। इसी के तुरंत बाद आप लोगों का 5 से 7 और वीडियोज आएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो अनडाउटेडली कि एग्जाम में आप लोगों का अकाउंटेंसी में 90% जो है वो स्कोर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अकाउंटेंसी में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है वो बता दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, अब देखो एक काम करना है आप लोगों को, अभी करना क्या है पहले मेरी बातों को ध्यान से समझ लो। आप लोग सबसे पहले एक पेज निकालो, एक पेपर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करना यहां, एक पेपर लेना, ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लेना। ठीक है, अब ध्यान से समझना करना क्या है। अब अपने पेज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कर करके टोटल आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 40 तक लिखो और यहाँ पे इस तरह से डैश 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 देते जाना, 40 नंबर तक लिख दो। अब करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अभी पढ़ूंगा तो उस वीडियो को आप लोग पॉज करना। पॉज करने के बाद आप लोग 1 का आंसर ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, जो आपको लगता है आप उसको यहाँ पे क्लिक करोगे, लिखोगे, पहले खुद से फील करोगे, इसके बाद हम आंसर बताएंगे, उसको और अपने आंसर को मैच करना। अगर सही आया तो यहाँ सही टिक लगाना, गलत आया तो गलत टिक लगाना। इसके बाद जो जो गलत आया होगा उसको जो है वो यहाँ पे सही भी करते जाना और वीडियो एंड होने के बाद मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों का जो है वो कितना मार्क्स सही आया। और टारगेट रखना कि 40 का 40 एमसीक्यूज आप लोगों का सही होना चाहिए। जो जो एमसीक्यूज सही नहीं होगा उस एमसीक्यूज को सही कर लेना, उसको अच्छा से समझ लेना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता देना। और ऐसे ही जो आप लोगों का 5 से लेकर 7 मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा उसमें जो है आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि आंसर कितना आ रहा है। और सारे स्टूडेंट का एट द एंड ऑफ द टाइम 40 में 40 जो है वो सही आ जाना चाहिए, तब आप लोगों का एग्जाम का अच्छे तरीके से तैयारी होगा। ठीक है, चलो आओ। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, एकदम अच्छा से देखना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आय व्यय खाता होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज है। चलो जल्दी बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर लिख लिए। तो हम सबको पता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, रियल अकाउंंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट आपका होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो भी हम लोगों का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये हम लोगों का होता है रियल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वसीयत को मानना चाहिए, लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। तो हम सबको पता है लेगेसी को क्या माना जाना चाहिए जी, ए बी सी डी, जल्दी बताओ लेगेसी को क्या माना जाना चाहिए, ऑप्शन ए लाइबिलिटी। ठीक है, आप लोग एंसर लिखते जाना और एंसर मैच करते जाना। क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल, यानी जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, यानी जब कोई पार्टनर्स लोग पार्टनरशिप फार्म को चलाता है और पार्टनरशिप फार्म को चलाने के लिए उन लोगों के पास अगर कोई डीड नहीं है तो उस समय 2 कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन, प्रॉफिट एंड लॉस को वो लोग इक्वल बांटते हैं, और दूसरा कंडीशन, जो पार्टनर लोन लेकर के आएगा उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इसके अलावे किसी पार्टनर को कुछ नहीं मिलता है। ऑप्शन ए, वेतन दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, नहीं, नॉट टू अलाउड सैलरी, वेतन नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही, वेतन नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वेतन में फार्म करने वाला साझेदारों को नहीं दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नॉट टू बी पेड सैलरी। ठीक है, आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर पे क्या बोला जा रहा है, साझेदारों की पूंजी अस्थाई होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, विच अकाउंट आर ओपेंड वेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। हमको पता है कि कैपिटल अकाउंट जो होता है, यानी कैपिटल अकाउंट खोलने का दो तरीका होता है, एक बोला जाता है जब कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो, और दूसरा जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो। तो हम सबको पता है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक ही अकाउंट खुलता है आपका कैपिटल अकाउंट, और जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट खुलता है, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका करेंट अकाउंट। तो यहां बोल रहा है कि जब कैपिटल क्या हो, आपका फिक्स्ड हो, जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो दो अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है, ख्याति एक डॉट 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 संपत्ति है, गुडविल इज ए डॉट 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 एसेट। हम कई बार आप लोगों को समझाए हैं कि गुडविल क्या होता है, गुडविल एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट होता है, अमूर्त संपत्ति होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनटेंजिबल, गलत बोल रहे गुडविल क्या होता है, एक इनटेंजिबल एसेट होता है। तो क्या इनटेंजिबल ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब होता है उसका कौन सा वैल्यू होता है जी, मॉनेटरी वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि उनका मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, मौद्रिक मूल्य होता है। तो फाइव का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, देख लेना। फोर नहीं है, फाइव का जो है वो आपका ये नहीं है, फाइव का जो है आपका ये बी नहीं है, ठीक है, देख लेना इसको अच्छा से। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। हम बार बार आप लोगों को बताए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी समझाए हैं कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी अधिलाभ इज इक्वल टू औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बात, अगर एग्जाम का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जेक का मॉडल पेपर को तो जरूर सोल्व करना ही करना, और साथ ही साथ जो कोडरमा का मॉडल पेपर है उन मॉडल पेपर को भी जरूर सोल्व करना। जेक का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और कोडरमा मॉडल पेपर का भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, उन सब का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये जो ऊपर यहां आई लिंक, आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहां से जाकर के आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। या आप लोगों को अगर सेपरेट चैप्टर वाइज अगर कोई वीडियोज पढ़ना है तो चैप्टर वाइज वीडियोज भी डाले हैं, वहां से भी आप लोग उसको जाकर के देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन पे बोल रहा है, व्यवसाय की प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड, यानी एक कोई भी ऐसा चीज जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है गुडविल, वही चीज उसका गुडविल जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, गुडविल, ख्याति कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बार बार समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर एट, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक को कहते हैं, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी हम पढ़ाए हैं। क्रेडिट साइड का मतलब समझो, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हो और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड है, इसका मतलब है क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट ज्यादा है। अब अगर क्रेडिट ज्यादा है यानी डेबिट कम है, अब रिवैल्यूएशन में डेबिट कम आता है तो क्या होता है, उससे हम लोगों को होता है प्रॉफिट, ठीक। तो ऑप्शन ए, अच्छा इसी को अगर पलट के देता कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट कम होगा, जब क्रेडिट कम आता तो वो लॉस होता, तो लॉस कब होता, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा बैलेंस आता, डेबिट बैलेंस आता, ठीक है। अच्छा ये भी समझ लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके का अकाउंट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नाममात्र खाता है। अच्छा ये भी समझ लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को और किस नाम से पुकारते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, लाभ हानि समायोजन खाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, तीन साझेदारों के बराबर लाभ अनुपात है, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ थ्री पार्टनर्स, तो थ्री पार्टनर सपोज कर लो ए बी और सी है, तो इक्वल रेशियो है, यानी 1:1:1 है, यानी इक्वल होगा इसका 1:3:1:3:1:3, ठीक है, 1:3, माफ करना 1:3, तो 1:3:1:3:1:3, ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नाइन हो गया, नाइन के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे। ए इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फार्म इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। बोला गया है ए बी और सी एक फार्म में साझेदार हैं, अगर डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया तो क्या होगा। तो सपोज कर लो ये तीन पार्टनर है ए बी और सी जो एक फार्म को चलाते हैं, अब
ये लोग एक नया पार्टनर डी को फार्म में एडमिट कर रहा है तो इससे क्या होगा, तो नया पार्टनर एडमिट हो या कोई पार्टनर रिटायर हो या किसी पार्टनर का डेट हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, तो इससे जो फार्म होता है उस फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है फार्म का? रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बोला, ओल्ड फार्म इज डिसॉल्व, पुराने फार्म डिसॉल्व होगा? नहीं सर जी। पुरानी फार्म तथा साझेदारों का विघटन होगा? नहीं सर जी। पुराने साझेदारी का पुनर्गठन, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड? यस सर जी, यस, ओल्ड पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, हम पढ़ाए हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अच्छा ये ऊपर फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो का। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है आपका सेक्रीफाइस रेशियो का। ठीक है, लेकिन यहाँ गेनिंग रेशियो बोला तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, याद रखना ये क्वेश्चन पूछेगा। 12 नंबर पे बोला एक नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, हम अभी बताए थे जब एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो इससे फार्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी, पुराने साझेदारों का पुनर्गठन होता है। ठीक है, चलो 12 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, ये ऊपर में हिंदी में ठीक से जगह नहीं था इसलिए इंग्लिश में इसका स्क्रीन शॉट है। बोला गया एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ ए 1:1, यानी कि एक्स और वाई एक फार्म में पार्टनर है, रेशियो है 1:1। आगे बोल रहा है दे एडमिटेड जेड, न्यू पार्टनर जेड आया 1/5 शेयर के लिए, शेयर हु कंट्रीब्यूटेड 25,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फार्म विल बी, यानी सिंपल बात है, क्या बोला, न्यू पार्टनर जेड आया और अपने साथ गुडविल 1/5 लेके, 1/5 शेयर के लिए कितना गुडविल लाया है, 25,000, तो टोटल फार्म का गुडविल। तो बच्चा याद रखना, अगर न्यू पार्टनर के, ये जो न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया है, 1/5 के लिए आया है, इसी 1/5 से उसका जो है पूरे फार्म का जो है वो गुडविल को यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये 1/5 के लिए कितना गुडविल लाया, 25,000, अगर टोटल फार्म का गुडविल 1 होता तो कितना लाता, तो रेसिप्रोकल कर देंगे यानी पलट देंगे, तो 25,000 × 5/1, ये जो 1/5 है इसको पलट के लिखेंगे 5/1, यानी 1 से तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं है, तो 25×5 125 हो जाएगा, यानी 1,25,000। हम ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें बेसिकली क्या करना है कि न्यू पार्टनर के शेयर के बेस पे जो है पूरा फार्म का गुडविल निकालना है, तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा करके निकाल देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अभिषेक रजत एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 इफ विवेक रिटायर्स, अच्छा विवेक मतलब मेरा नाम, विवेक इज रिटायर्स द न्यू पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रजत विल बी। देखो क्या बोला, अभिषेक को ए मान लेते हैं, रजत को आर मान लेते हैं और विवेक को बी मान लेते हैं, इन लोगों का रेशियो था 5:3:2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कौन रिटायर हो गया, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विवेक रिटायर हो गया, तो ये विवेक का शेयर है, विवेक रिटायर हो गया, विवेक रिटायर हो गया, तो इसके बाद अभिषेक और रजत का क्या रेशियो बच गया, 5:3 बचा, यही इसका इन दोनों का क्या होगा, न्यू रेशियो, और यही इन दोनों का क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ न्यू रेशियो पूछा क्या होगा, तो न्यू रेशियो क्या होगा भाई, 5:3, तो 5:3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ रहा है समझ में क्वेश्चन, आंसर जरूर मैच करते जाना। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और संयुक्त जीवन बीमा संचय खाता का शेष हमेशा द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, यानी कि JLP अकाउंट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, यानी कि JLP, यानी क्या बोल रहा है, देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, इसका अमाउंट जो है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, तो इसका अमाउंट जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, 15 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। आनंद बहादुर एंड चंद्रा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी आनंद बहादुर और चंद्रा ABC यानी बराबर के पार्टनर हैं 1:1:1। बोला गया है क्वेश्चन में ऑन चंद्राज रिटायरमेंट हिज शेयर्स इज एक्वायर्ड बाय आनंद एंड बहादुर इन द रेशियो ऑफ 3:2, कौन रिटायर हो गया, तो बोल रहा है कि रिटायर हो गया है आपका चंद्रा, यानी सी रिटायर हो गया, कितना से, 1/3 से। अब ये जो सी रिटायर हुआ इसका शेयर को ले रहा है कौन कौन, आनंद और बहादुर 3:2 के रेशियो में। ठीक है, इसका मतलब है आनंद कितना टेक इन कर रहा है
और फिर कितना टेकन कर रहा है, बहादुर कितना टेकन कर रहा है, ध्यान से समझना, आनंद कितना टेकन कर रहा है, तो आनंद और बहादुर ये दोनों कितना में टेकन कर रहा है जी, तो बोला है आपको 3:2 पे, यानी आनंद बेसिकली 3/5 और बहादुर बेसिकली 2/5 लेगा, तो यानी आनंद ले रहा है आपका 3/5 और बहादुर ले रहा है आपका 2/5, ठीक है। तो क्या रेशियो निकालने बोला, न्यू रेशियो बिटवीन आनंद एंड बहादुर, न्यू रेशियो निकालने बोला। थोड़ा सा आओ इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं, यहां निकालते हैं न्यू रेशियो। तो हम सबको पता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू रिटायर पार्टनर शेयर इनटू टेकन ओवर वैल्यू, टेकन ओवर वैल्यू, ठीक है। चंद्रा तो चला गया, तो सबसे पहले आनंद का, तो रिटायर पार्टनर का शेयर, या आनंद सी देखो, यानी चंद्रा कितना से रिटायर किया, 1/3, तो 1/3 इंटू टेकन, तो कितना ले रहा है ये, टेकन कर रहा है उसका 3/5 टेकन किया, तो यानी कंपेयर करेंगे तो 3/15 होगा। वैसे ही बहादुर का रिटायर पार्टनर का शेयर 1/3, टेकन कितना किया बहादुर, 2/3, तो 2/5 लिखेंगे, यानी कि 2/15। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो 3/15:2/15, तो 15:15 बेसिकली एलसीएम आ जाएगा, तो 3:2 आएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3:2, यानी देखो कि रिटायर करने के बाद वो दोनों 3:2 में जो लिया था वही उन दोनों का कौन सा रेशियो होगा, न्यू रेशियो होगा। समझ में आ रहा है, यानी आप नॉर्मल याद रखना कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा उसके बाद उसका शेयर को जितना में वो लोग टेकन करेगा वही उन लोगों का न्यू रेशियो होगा, शॉर्टकट। अगर आप उतना लंबा नहीं बनाना चाहो तो शॉर्टकट याद रख लेना, ठीक है। चलो तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक कंपनी के अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, तो एक कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, ओनर होता है। अच्छा क्रेडिटर कौन होता है, तो क्रेडिटर होता है आपका डिवेंचर्स होल्डर। कौन होता है जी, क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स होल्डर, याद रखना, ठीक है। अच्छा हमको ये बताओ तो कि कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर के बदले क्या देता है, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स के बदले डिविडेंड पेड करता है, और कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर के बदले इंटरेस्ट पेड करता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस याद रखना, सब्जेक्टिव में पूछेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 2013 एक कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी, दोनों करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों शेयर इशू कर सकता है। 18 हो गया। 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दायित्व के कुल राशि में सम्मिलित होती है द टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड, तो लाइबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है पेड अप कैपिटल को, यानी चुकता पूंजी को। 20 नंबर पे ऋण पत्र जो कि पत्र सुपुर्दगी कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेरे डिलीवरी, तो वही कहलाता है आपका बिरियर डिवेंचर, यानी कि वाहक ऋण पत्र, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 20 नंबर, ठीक है। ऐसे जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छा से उसको याद रखना। ऋण पत्र धारी डिवेंचर्स होल्डर आर द, हम अभी बताए थे कि डिवेंचर्स होल्डर कंपनी का क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है, ठीक है। तो आओ क्रेडिटर्स ढूंढते हैं, कौन से ऑप्शन पे बोला है, तो क्रेडिटर्स बोला है आप लोगों का यहां देखो ऑप्शन नंबर सी पे। 22 नंबर साधारणता ऋण पत्र होते हैं, जनरली डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड, तो साधारणता डिवेंचर जो होता है, ऋण पत्र जो होता है वो सुरक्षित होता है, यानी कि सिक्योर्ड होता है। 23 में ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शो इन, डिवेंचर इशू करने से जो भी लॉस हुआ है उसको किस में दिखाया जाता है, एसेट साइड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऋण पत्र के शोधन पर अधिलाभ खाता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज, यानी अगर आप डिवेंचर का रिडम्पशन यानी डिवेंचर का पेमेंट अगर प्रीमियम पे किए हैं तो इससे आपको एक्सपेंसेस होगा, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस अकाउंट है, 24 का आंसर होगा बी। चलो 24 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सेबी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऋण पत्रों के शोधन के संदर्भ में सेबी के दिशा निर्देश हितों की रक्षा करता है, तो ये हितों की रक्षा करता है अंशधारियों का, यानी कि शेयर होल्डर्स के, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके इसलिए पेमेंट करना जरूरी है। 26 पे बोला, यदि आर्थिक चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाता है, इफ बैलेंस इस गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू, यानी ध्यान से समझना कि सपोज कर लो हम यहां पे एक बैलेंस शीट बना रहे,
ठीक है, हॉरिजेंटल फॉर्म। तो ये बेसिकली एक बैलेंस शीट है, इधर लाइबिलिटी यानी कैपिटल होता है, यहाँ अमाउंट होता है, यहाँ एसेट होता है और यहाँ उसका अमाउंट। तो ये एसेट साइड में जो गुडविल होता है, गुडविल का मतलब होता है एपियर गुडविल। तो ये गुडविल किसको मिलता है, तो ये गुडविल जो मिलता है ये आपका ओल्ड ऑल पार्टनर्स को मिलता है। किसको मिलता है, ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे फार्म के उन सारे पार्टनर्स को जो है वो मिलता है। तो 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी पार्टनर्स को मिलता है। क्या मिलता है, गुडविल। आया समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सिंकिंग फंड एक हिस्सा है, सिंकिंग फंड के सिंकिंग फंड अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ, तो सिंकिंग फंड किसका पार्ट होता है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचत एवं अधिक का यानी रिजर्व एंड सरप्लस का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 नंबर पे बोल रहा है, कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय ए कंपनी फॉर, तो कंपनी जो है साल के अंत में एनुअल रिपोर्ट बनाता है, किसको दिखाने के लिए, शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए कि देखो जी कंपनी को इतना प्रॉफिट, इतना लॉस हुआ, इतना एसेट वगैरह सब बचा है, आप इसको देख लो, ठीक है। तो कंपनी का शेयर होल्डर को दिखाने के लिए जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर, ये इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर पे बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपका 30 नंबर का सही है, ठीक है। 29 हो गया, एक मिनट रुको रुको रुको, 30 नंबर में थोड़ा सा गलत बता रहे हैं, 30 का ना 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 ये सही नहीं होगा, रुको एक मिनट थोड़ा सा देखने दो, 30 में कहाँ चला गया भाई, 30 का और ऑप्शन कहाँ गया, अच्छा गलती से 30 का छूट गया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गलती से छूट गया, एक फॉर्मूला था वो गलती से मिसिंग हो गया हमसे, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक है। 30 हो गया, 30 के बाद 31 नंबर बोला गया है, सामग्री के प्रयोग के आधार पर इनमें से कौन सा वित्तीय विवरणों के प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, तो बच्चा बताओ इसका इसका राइट आंसर होगा इंटरनल एनालिसिस, आंतरिक विश्लेषण। देखो मटेरियल यूज बोला तो मटेरियल कंपनी के अंदर होता है, मटेरियल कंपनी के अंदर, तो अंदर से आपको याद रहेगा आंतरिक, अंदर से याद रहेगा आंतरिक विश्लेषण, ठीक है, इंटरनल एनालिसिस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, शीर्ष किया उद्गर विश्लेषण जाना जाता है, वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, तो वर्टिकल एनालिसिस को जो है स्टैटिक एनालिसिस कहा जाता है, स्टैटिक एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ऋण पत्रों पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज, तो बताओ इंटरेस्ट जो हम लोग जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी दिया, बापरे अच्छी ठीक हो गया, 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो है एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो है वो हिस्सा होता है, 33 का ऑप्शन होगा ए, ठीक है। 34 नंबर पे आते हैं, 34 पर बोल रहा है, विक्रय में से बचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड, यानी आपको पता है ना एक फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। 35 नंबर, चालू अनुपात है, करंट रेशियो इज, तो हमको पता है करंट रेशियो जो है वो लिक्विड रेशियो का पार्ट होता है, तरलता अनुपात का पार्ट होता है, तो 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर पे बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना, बोला गया है व्हेन द करंट रेशियो इज 2:1, बोल रहा 3:5, बोल रहा है कि अगर करंट रेशियो जो है वो आपका 2:5 है, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी इज 25,000, और अगर करंट लाइबिलिटी जो है वो बोल रहा है अगर आपका 25,000 रुपया है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, तो बोल रहा है बताओ करंट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो देखो सबसे पहले ये दिया है बेसिकली करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1 है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, और ये दिया है 2:5, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, करंट एसेट निकालना है, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी कितना है 25,000, तो 25,000 लिखेंगे इज इक्वल टू 2:5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लाइबिलिटी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000, यानी कि करंट एसेट इज इक्वल टू ये 50,000 और ये इनटू में है 5, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, यानी करंट एसेट इज इक्वल टू डिवाइड होके ये कितना आएगा 10,000 रुपया निकल के आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, ओहो आगे बढ़ते हैं और पीछे चले जा रहे हैं,
37 नंबर, तरल संपत्ति में शामिल नहीं होता द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। तो हम सबको पता है कि क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस स्टॉक, और स्टॉक को ही क्या बोला जाता है इन्वेंट्री, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और माइनस होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो याद रखना ये दो चीज नहीं माइनस नहीं जुटता है, एक स्टॉक या इन्वेंट्री और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन में प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं है, इन्वेंट्री है, स्टॉक है, तो स्टॉक नहीं जुटेगा। क्या नहीं जुटेगा? स्टॉक नहीं जुटेगा। 37 का आंसर होगा ए, ठीक है। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, संचालक लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ किसे जोड़ा जाएगा? वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एड करते समय जोड़ेंगे इंक्रीज इन रिजर्व एंड इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। 39 पे बोला निम्न में से संचालक संबंधी क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ मशीन, याद रखना किसी भी फिक्स एसेट को खरीदेंगे और बेचेंगे, ये जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्वेश्चन पे बोल रहा है ऑपरेटिंग में क्या जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। इशू ऑफ शेयर, शेयर डिवेंचर लोन बॉन्ड, ये जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट होता है, इन्वेस्टिंग में जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री करंट एसेट होता है, ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 39 का आंसर होगा सी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका, नगद बिक्री यानी कैश सेल्स किस में जाएगा? अभी बताएं कैश सेल्स जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट जाएगा। फाइनेंसिंग में क्या जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड्स लोन्स बॉन्ड्स और आपका डिविडेंड, ये सब जो है ये जाता है फाइनेंसिंग में, ठीक है। आई होप 40 का 40 क्वेश्चन हो गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है, कितना क्वेश्चन सही बना, कितना क्वेश्चन गलत बना, कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद ही आप लोगों का टोटल 5 से 6 ऐसे ही और VBI क्वेश्चन आएगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो अनडाउटेडली एग्जाम में आप लोगों का अकाउंटेंसी में 90% नंबर 100% आएगा, ठीक है। चलो इसके तुरंत बाद बाकी वीडियो सब भी अपलोड कर देंगे, अच्छा से मन लगा के पढ़ो। जो भी दिक्कत डाउट परेशानी है भेज दीजिए कमेंट बॉक्स पे, कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।